इन असुरों को शीघ्र नहीं रोका गया तो ये सारी सेना को मिट्टी में मिला देंगे। वानरराज सुग्रीव, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। आओ असुराओ, तुम्हारा वध मेरे ही हाथों होगा, मेरे ही हाथों। सुग्रीव, अब तुम्हें शिला प्रतिमा में परिवर्तित करता हूं। ये क्या, महाराज सुग्रीव को शिला प्रतिमा बना दिया इस मायावी धूम्र ने? मेरे नेत्रों के समक्ष ये कैसा अनर्थ घट गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतने शीघ्र ही हमारे सुरक्षा घेरे से बाहर निकल गए कि हम कुछ भी नहीं कर सके। प्रतिकूल समय में निराशा पराजय का कारण बनती है, इस संकट को भी दूर करेंगे हम। महाराज सुग्रीव और वानर सैनिकों को इस धूम्र के प्रभाव से मुक्त कराएंगे हम। हनुमान सत्य कह रहे हैं प्रभु, यह संभव है। यदि महाराज सुग्रीव के जड़ शरीर को हानि पहुंचने से पूर्व कोई धूम्राक्ष का अंत कर दे तो महाराज सुग्रीव पुनः सामान्य हो उठेंगे। हाँ, उस राक्षस के वध में कोई विलंब नहीं होने देगा हनुमान। रक्ष वीरों, अपना आक्रमण आसक्त हुए वानर राज सुग्रीव पर केंद्रित करो और अंत कर दो इनका और इस युद्ध का। सर्वत्र संचार करूंगा अपने धूम्र का, सर्वनाश कर दूंगा इन वानरों का, त्राही त्राही मचा दूंगा वानर सेना में। ये राक्षस तो सुग्रीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इन राक्षसों को वानर सैनिकों तक पहुंचने से रोके या उस धूम्राक्ष का वध करे, क्या करे हनुमान? इनकी चिंता मत करो हनुमान, इन्हें हम संभाल लेंगे। अपने धूम्र के आवरण में छुपे उस राक्षस का वध करो। प्रभु पर धूम्र वार नहीं होने देगा हनुमान। जय श्री राम। मैं अत्यंत चिंतित हूँ, तीनों दिशाओं से वानर राज सुग्रीव पर आक्रमण कर रहे रावण के दुष्ट महायोद्धा। Oh!
स्वयं मेरे धूम्र जाल में फंसने आ रहा है। इसे अपने धूम्र में समाहित करके इसे भी शिला प्रतिमा में परिवर्तित कर दूंगा। भक्त जब ले प्रभु श्री राम का नाम, वहां राक्षसी माया का क्या काम। जय श्री राम। सर्वप्रथम इस दुष्ट मायावी राक्षस को इसके स्वाभाविक रूप में लाना होगा मुझे, जिससे ये धूम्र में छिपकर अदृश्य न रह सके। मेरे बाण तुम्हें कदापि आगे नहीं बढ़ने देंगे, कच्छप रूपी राक्षस। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे नार, परंतु मैं अपने वार से करूंगा संहार वानर राज सुग्रीव का। ये नर तो अकंपन में उलझा हुआ है, इसीलिए मेरे द्वारा वानर राज सुग्रीव के शरीर को खंडित करने का ये उचित अवसर है। रोकना चाहते हो मुझे वानरों, तो आओ मेरे मायावी दंड का सामना करो। वार करो इस पे। जय श्री राम। तुम्हारे जैसे मूषक गजराज से टकराने का दुस्साहस करते हैं तो मसल दिए जाते हैं वानर। अब मूषक नहीं, उग्र सिंहों के समान प्रतीत होंगे हम वानर तुम्हें। मेरा धूम्र, मेरा शस्त्र भी है और सुरक्षा कवच भी। मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया तो क्या हुआ वानर? जब तक मैं अपने धूम्र से घिरा हूं, तब तक तुम भी मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। और धूम्राक्ष को धूम्र से विलग करना असंभव है। असंभव को संभव करने वाली शक्ति है मेरे पास, श्री राम नाम की शक्ति। इस नाम ने मेरा कवच बनके मेरी रक्षा की, अब यही नाम मेरा शस्त्र बनके तेरा वध करेगा। जय श्री राम। मुझे कहाँ ले जा रहे हो वानर? छोड़ो मुझे। मुझे धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक भी ले जाओ, परंतु मेरे धूम्र का प्रहार क्षीण नहीं होगा। धरती माता तुम पापियों का बोझ नहीं सहेगी, अब उनके गर्भ में पल रही ज्वाला में भस्म होगे तुम, क्योंकि प्रचंड अग्नि के समीप धूम्र नहीं होता राक्षस।
है शेरा। महाराज हमारे महाराज स्वस्थ हो गए। महाराज सुग्रीव स्वस्थ हो गए। जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं बिगाड़ सकते वानर तुम मेरा, कुछ नहीं। मेरे ही अस्त्र से मुझे बांध दिया, अब तुम्हें अंगद से कोई नहीं बचा सकता राक्षस। जय श्री राम। है हनुमान कि महाराज सुग्रीव सकुशल हो गए। अब मुझे नील की रक्षा करनी होगी। आने दो इस वानर को, कदाचित इसका अंत मेरे ही हाथों निश्चित है। मेरे अचूक मायावी दंड प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस पार। कैसे झेल लिया इसने? मेरे प्रहार व्यर्थ नहीं जाएंगे वानर। मेरे समस्त प्रहार विफल हो रहे हैं, इस दुष्ट का वध कैसे करूं? हनुमान, कच्छप की पीठ कठोर और अभेद होती है, किंतु उसका निचला भाग दुर्बल होता है। महावार करो। Oh!
इसकी रक्षा करने आया था ना ये उद्दंड वानर, सर्वप्रथम इसका ही अंत करता हूं मैं। बहुत अच्छे नील, भागो, अपने अपने प्राण बचाओ, भागो, भागो। क्या कहा? मेरे चारों शूरवीर महायोद्धा हताहत हो गए। हाँ भ्राता लंकेश, तीन महायोद्धाओं के मृत शरीर तो अभी भी उन वानरों के मध्य विषत अवस्था में पड़े। बस बहुत हुआ, कल मैं लंकेश रावण स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। कल का दिवस वानर सेना का अंतिम दिवस होगा, अंतिम दिवस होगा कल। रावण एकाकी आ रहा है, इसकी सेना कहाँ है? कहीं अपने पुत्र की भांति इसका भी अभिप्राय मायावी युद्ध करना तो नहीं? ऐसा विलक्षण तेज, ऐसी अनुपम कांति, जैसे स्वयं सूर्य देव ने उदित होकर अपने प्रकाश से सबको स्तब्ध कर दिया हो। देवताओं से भी अधिक शुभ्र, अधिक प्रतापी व्यक्तित्व का स्वामी प्रतीत हो रहा है यह लंकेश। हां प्रभु, परंतु शोक तो इस बात का है कि इसका समग्र तेज अधर्म को समर्पित है। जितना तेज इसके शरीर से प्रस्फुटित हो रहा है, इसके मस्तिष्क में उतना ही पापमयी अंधियारा व्याप्त है। सत्य कहा हनुमान, पाप और अधर्म से कलुषित व्यक्ति का तेज प्रकाश सब निरर्थक है। ऐसे व्यक्ति का अंत तो निश्चित ही है, अंततः स्वयं ही ये मेरे समक्ष आ गया।
अब सीता हरण का उपयुक्त दंड दूंगा मैं इस दुष्ट और अधर्मी रावण को। देवराज इंद्र को पराजित किया, काल को भी परास्त किया, दिक्पालों और नवग्रहों को बंदी बनाया, परंतु इस नर के समान पराक्रमी योद्धा नहीं देखा मैंने। बहुत समय बाद किसी योग्य योद्धा से युद्ध करने का आनंद प्राप्त करेगा रावण। ये क्या कह रहे हैं भ्राता लंकेश? क्या वो समझते हैं कि वो अकेले ही हम सबका सामना कर लेंगे, या कोई और योजना है उनके मन में? कहाँ है वो वानर राज? तुम्हारे महाराज में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं किया गया कि मुझसे युद्ध करे। वानर राज से बाद में युद्ध करना लंकेश, उसके पूर्व उनके इस सेवक से तो निपट लो। तुमसे तो निपटना ही है मुझे, तुम्हारे समस्त दुष्कृत्यों का दंड देना है तुम्हें, तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे। मुझे भी तुम्हारे अनेकों भूलों के लिए तुम्हें उचित पाठ पढ़ाना है रावण। अच्छा है वानर, जितने समय में मैं तुमसे निपटूंगा उतने ही अंतराल के लिए और अपने काल से छिपा रहेगा वो तुम्हारा भेरो राजा सुग्रीव। लंकेश, कितना अद्भुत मेल है तुम चारों का। दो वनवासी, एक कुलघाती और एक धीरता का जीवंत उदाहरण है।
एक से बढ़कर एक हो तुम चारों। बस लंकेश बस, नियंत्रण रखो अपनी जिह्वा पर, अन्यथा तुम्हारा वध करने से पूर्व ही तुम्हारे मुख से तुम्हारी जिह्वा को विलग करना होगा मुझे। मेरो सुग्रीव, दूर खड़े होकर गीदड़ भभकी देने वाले शूरवीर नहीं होते। सांस है तो आओ, उससे युद्ध करो। इस बार तुम्हें बचकर नहीं जाने देगा ये रावण। पूर्व काल में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उनका अहित करने का हर संभव प्रयास करेंगे भ्राता रावण। मुझे महाराज सुग्रीव की सुरक्षा की चिंता हो रही है। उन्हें वापस लौटने के लिए कहिए प्रभु। महाराज विभीषण, लंकेश ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए उन्हें रोकना या रणभूमि छोड़कर वापस लौटने के लिए कहना एक राजा की मर्यादा के विरुद्ध होगा। करो मेरे शिला का लंकेश। लंकेश, तुम्हारे शस्त्र के समान तुम्हारे शीश को भी धड़ से विलग कर दूंगा मैं। मेरे सामने शक्ति का प्रदर्शन करने का दुस्साहस किया तुमने तो छवानर। लो, मेरे शक्तिशाली अस्त्रों से अपनी रक्षा करो। लंकेश ने एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले त्रिघाती शस्त्र प्रक्षेपित किए हैं प्रभु। ये दुष्ट राक्षस तो अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। कहीं महाराज को कोई क्षति ना पहुंचे।
शकास्त तुम्हारा सहार करेगा भेरो। आज योद्धा पर वार करने की रिश्ता नहीं सहेगा नल। महाराज सुग्रीव पर अनुचित वार नहीं होने देगा गंध माधव। अंत करेंगे इस नीच राक्षस का। हाँ, इस पापी का वध करेंगे हम। तो चिवानरों लो भुगतो। युवराज अंगद, आप महाराज सुग्रीव को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। जी हनुमान जी। शक्तियों का अपमान करते हो नीच दुर्जन। जिन्होंने मुझ पर आक्रमण करने का तो साहस किया, पहले उन्हें काल की भेंट चढ़ा दूं मैं, उसके पश्चात तुम्हारा भी अंत अवश्य करूंगा मैं। हाँ।
आहत योद्धाओं पर वार करना वीरता नहीं है लंकेश। अपनी शक्ति का परिचय देना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। अच्छा, तुमसे तो युद्ध होते होते रह गया था। आओ दिखाओ अपनी क्षमता मेरे समक्ष। परंतु मुझसे युद्ध करने से पूर्व यह अवश्य जान लो वानर कि मेरी ओर तुम्हारा प्रथम पग पड़ने से पूर्व ही मेरा बाण तुम्हारे शीश को तुम्हारे दर्द से अलग कर देगा। अच्छा, की प्रशंसा के योग्य योद्धा को सामने पाकर अति प्रसन्न हुआ रावण। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है रावण, तुम्हारा काल समीप है क्योंकि तुम्हारे सारे वरदान निरर्थक हो जाएंगे।